बताइए कि यही बनना चाहते थे कि बाय डिफॉल्ट बन गए? देश काफी पीछे चला गया है, राजा का बेटा ही लोकतांत्रिक देश में भी राजा बनता है। तो देखा है बहुत संख्या में भीड़ जुटती है, क्या कहते हैं कि आपको लोग सुनने खींच चले? शब्दों में बात करते हैं हम लोग, इधर उधर की बात नहीं करते हैं, सीधा सीधी। क्या कहते हैं आप अपने वोटर्स? हम लोग सबसे पहला बात ये कहते हैं कि जाते सांसद का बेटा ने ऑफर किया था, मंत्री जी के बेटे ने अप्रोच किया। साथ हर जगह से युवा जुड़े हुए हैं, लेकिन पैसा कहाँ से आप जुटा पा रहे हैं? उस समय सताए जाते थे, दबाए जाते थे, जिनका दमन दोहन उत्पीड़न किया जाता था। देश काफी पीछे चला गया है, राजा का बेटा ही लोकतांत्रिक देश में भी राजा बनता आया है, जिस कारण आम व्यक्ति हादसे पे चला जा रहा है। तो इसलिए ऐसा नहीं, हम लोग भी चाहते तो हम लोग लोकसभा में 9-10 सीटों में 50,000 से ज्यादा वोट लाए हैं, और 50,000 वोट विधानसभा में मायने होता है, जीत के लिए पर्याप्त होते हैं, 50,000, 60,000, 70,000। तो बेटा जुड़ जाते, सांसद का बेटा ने ऑफर किया था, मंत्री जी के बेटे ने अप्रोच किया था, और हमको उन लोगों को अगर हम लोग अपनी टिकट से लड़ा देते हैं तो नो डाउट वहां पे हम लोग आसानी से जीत सकते थे। लेकिन हम लोगों ने चुनौती को पसंद किया, हार और जीत के बीच संघर्ष करना पसंद किया, लेकिन उनको टिकट नहीं दिया है। यानी हम लोग एक नया चीज तो ये लेकर आएंगे कि ब्लड रिलेशन में टिकट नहीं जाएगा। जो मेरे हिसाब से, अगर पर्सनली मेरा पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो मेरे हिसाब से हर एक राजनीतिक दल को ये करना चाहिए। नहीं तो फिर अगर विधायक जी का ही बेटा अगर विधायक बनेगा, सांसद जी का ही बेटा अगर सांसद बनेगा, तो फिर प्रतिभाओं को अवसर नहीं मिलेगा राजनीति में आने का। अगर प्रतिभाओं को राजनीति में आने का अवसर नहीं मिलेगा तो फिर आम व्यक्ति की बात कोई करेगा नहीं, आम व्यक्ति की चर्चा कोई सदन में नहीं करेगा, गाँव गरीब किसान की चर्चा कोई नहीं करेगा। तो इसीलिए हम लोगों ने ये लीक से हटकर, आप अपने वोटरों से जाकर कहते क्या है? हमने तस्वीरों में देखा है बहुत संख्या में भीड़ जुटती है, क्या कहते हैं कि आपको लोग सुनने खींचे चले आते हैं? मैं भीड़ तो होती है, जैसे आज ही एक नॉमिनेशन था तो वहाँ मुख्यमंत्री जी स्वयं आए थे, और 2 दिन पहले मैंने भी नॉमिनेशन किया था उनका, मैं ग्राउंड के बाद भी लोगों को जगह नहीं मिल रहा था कि हम लोग कहाँ खड़ा होकर मेरा स्पीच सुनेंगे। और आज मंत्री जी का, हम मुख्यमंत्री आए हुए थे लेकिन ग्राउंड का 1/4 भाग में ही लोग सुन रहे थे। तो लोग आते हैं सुनने के लिए, उसका कारण है कि हम लोग स्पष्ट शब्दों में बात करते हैं, हम लोग इधर उधर की बात नहीं करते हैं, सीधा सीधी। क्या कहते हैं आप अपने वोटर्स? हम लोग सबसे पहला बात यही कहते हैं कि झारखंड राज्य अलग क्यों हुआ था, इसका उत्तर दे दीजिए। तो सब यही कहते हैं, झारखंड राज्य इसलिए अलग हुआ था कि यहाँ के जो लोग उस समय सताए जाते थे, दबाए जाते थे, जिनका दमन दोहन उत्पीड़न किया जाता था, उन्हें एक स्थान मिले, उन्हें मान सम्मान मिले, उन्हें अधिकार मिले, उन्हें नियोजन में अधिकार मिले। तो हम वही पूछते हैं, क्या हमें वो अधिकार मिला है? भीड़ से वही आवाज आती है कि नहीं। तो उस दिशा में हमें आगे बढ़ना चाहिए, वो कहते हैं हाँ आप लोग को प्रयास करना चाहिए, 24 साल के बाद कोई यूथ टीम इस प्रकार से तैयार होकर आ रही है, आप लोग आइए, आपको लोग आशीर्वाद देंगे। तो तमाम झारखंड के मुद्दे हैं, उन पर हम लोग सीधा बात करते हैं, चाहे वो स्थानीय नीति का मामला हो, नियोजन नीति का मामला हो, किसानों के रैयतों की जमीन जो कंपनियां अधिग्रहण कर रही हैं, BCCL CCL जो लगातार हमारे गाँव को विस्थापित कर रही है, वो मामला हो, पेपर धांधली का मामला हो, तमाम उन मुद्दों को हम लोग सीधा अटैच करते हैं जनता के साथ, और उनसे उस विषय पे संवाद करते हैं। ऐसा नहीं केवल हम लोग भाषण देते हैं, हम लोग उसी बीच में सवाल उनसे भी पूछते हैं, और जब भाषण मेरा खत्म हो जाता है तो 2-4 सवाल हम जनता से भी लेते हैं। तो उनसे हम लोग एक संवाद करते हैं, क्योंकि राजनीति हम लोग नए स्तर की करना चाहते हैं, अतः नए स्तर की हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। पर एक पार्टी को चलाने के लिए, वो भी एक ऐसी पार्टी जो चुनाव में उतर रही है, पैसे की जरूरत होती है, फाइनेंशियल बैकिंग होना चाहिए। हम देख रहे हैं आपके साथ हर जगह से युवा जुड़े हुए हैं, लेकिन पैसा कहाँ से आप जुटा पा रहे हैं? किस तरह से आपके पास कॉन्ट्रीब्यूशन आ रहे हैं कि आप एक चुनाव में उतर पाए और इतनी सारी सीट में आप चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात है कि जब ग्रिडी लोकसभा का चुनाव हम लड़े थे, तो शायद हम चुनाव आयोग को हम अपना सारा ब्यौरा दे चुके हैं, लेकिन कन्फर्मेशन नहीं, लेकिन हमें लगता है शायद 20-25 लाख के आसपास का हमें आय हुआ था, जो नया अकाउंट चुनाव का खुलाया जाता है, सर 20-25 लाख का था, उसमें 19-20 के आसपास खर्च भी हुआ था। और पर ये आय कैसे हुआ? आय जी, हम लोग जो पहले अकाउंट बनाए, उसका फोन पे बनाए, फिर स्कैनर लिए और सोशल मीडिया में अपडेट कर दिए कि ये हमारा अकाउंट नंबर है, तो अगर आप चाहते हैं कि इस चुनाव में हमारा सहयोग करें तो यथासंभव मदद करें। और यकीन मानिए, हमें लगता है कि मोबाइल हमारा हैंग होने लगा था, 1, 2, 3, 4, 10, 20 जो जैसा इच्छा, कोई सऊदी में रह के, कोई दुबई में, कोई सूरत में, कोई गुजरात में, कोई महाराष्ट्र में। तो इस प्रकार से लगभग 20 लाख से ज़्यादा का डोनेशन लोकसभा के चुनाव में मिला था, और वो चुनाव लड़ने के लिए पर्याप्त था हम जैसे युवाओं के लिए, जो वोटर्स को खरीदने के लिए नहीं आए, जो मांस दारू शराब का प्रलोभन देने के लिए नहीं आए, तो हमारे लिए ये 25 लाख रुपये पर्याप्त हैं। और इस बार तो फिर विधानसभा है, यानी और कम रुपए में ही, खर्चे में ही हम लोग चुनाव को लड़ लेंगे। चलिए, आप एक नया उदाहरण भी पेश कर रहे हैं कि कम पैसों में भी चुनाव लड़ा जा सकता है। आप एक आखिरी सवाल, आप PhD कर रहे हैं, अभी PhD खत्म करना है,
तो ऐसे में राजनीति करते करते उसके लिए वक्त निकलेगा कि वो पीएचडी अब पीछे छूट जाएगी। देखिए बहुत टफ होने लगा है, लेकिन पीएचडी छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि पीएचडी हमारी माता का सपना है, हमारे नानी नाना का सपना था। हमें पढ़ाना लिखाना बड़ी मेहनत से पढ़ाया है, बड़ी मेहनत से हमें कागज कॉपी कलम जुगाड़ करके देते थे, तो पीएचडी को पूरा करेंगे। और सही बात आपने कहा कि मेरे जैसे युवा के लिए, जैसे एक पार्टी का केंद्र अध्यक्ष 29 साल की उम्र में, एक झारखंड राज्य के चर्चित पार्टी का केंद्र अध्यक्ष होना, उस पार्टी का स्टार प्रचारक भी होना, उस पार्टी का मतलब मुख्य फेस होना, दो दो सीटों से चुनाव लड़ना और दोनों सीटें जीत के चांसेस हैं। और सबसे और महत्वपूर्ण बात है जो हम लोग नया कर रहे हैं, हम लोग जो कैंडिडेट्स के नाम अनाउंसमेंट करते हैं वो टाइपिंग से नहीं, हम हैंड राइटिंग करते हैं, हम अपने हाथ से लिख के घोषणा करते हैं, ताकि ये भी जनता को संदेश दे रहे हैं कि भाई किसी प्रकार से लोग त्रुटि ना करें, कोई एडिटिंग फैमने लोग भ्रम फैला देते हैं। तो बहुत मेहनत करना पड़ता है, हम लोग अपने हाथों से सारी चीज़ों को टाइप करते हैं, कलम से लिखते हैं, जो भी विषय जारी करना होता है वो कलम से करते हैं, 4 बजे 5 बजे सुबह तक हो जाती है चिंतन मंथन करते करते। आज अगर मैं आपको कहूं तो जब से डेट अनाउंसमेंट हुआ है चुनाव का, उस दिन से आज हमको लगता है कि 15 तारीख, आज शायद 28 तारीख हो गया, 13-14 दिन हो गया, हम 3 या 4 दिन नहाए हैं, यानी नहाना धोना सब छोड़ दिए हैं। उसके बाद जहाँ तक खाने का सवाल है, मेरा शरीर, मेरी आवाज़, ये मेरी नेचुरल आवाज़ नहीं है, मैं बोल पाने की अवस्था में नहीं हूँ, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, यानी खाना की अगर बात करें तो लिक्विड्स के अलावा कुछ खाना भी मेरे अंदर नहीं जा रहा है, बड़ी मुश्किल से मतलब जो कुछ कुछ भोजन कर पाते हैं, गीला करना पड़ता है उसको, तो बहुत टफ हम लोग का है, लेकिन आशा है कि जनता बहुत उम्मीद करती है। तो आप ये बताइए कि यही बनना चाहते थे बाय डिफॉल्ट बन गए। कौन जानता था कि मतलब देखिए 29 साल की उम्र में अगर कोई ड्रीम भी रखे तो पंचायत चुनाव का ड्रीम रख सकता है कि चलिए हम पंचायत चुनाव में पार्टिसिपेट करेंगे, और वहाँ अगर किसी प्रकार से अगर लक ने साथ दिया और अगर चर्चा फेमस हुए तो एक दिन विधानसभा के लिए ट्राई कर सकते हैं। लेकिन आप एज ए मुख्यमंत्री फेस बन के 29 साल में आएंगे, 8.5 लाख वोट लोकसभा में लेके आएंगे, दो दो कंस्टिट्यूशन असेंबली को लीड कर जाएंगे, 90,000-70,000। क्या बनना चाह रहे थे फिर आप, अगर ये इरादा नहीं था? पीएचडी के स्टूडेंट हैं तो जाहिर सी बात है प्रोफेसर की थिंकिंग थी, और घर में भी लोग यही बोलते हैं मास्टर बने खलो, मास्टर बनना चाहिए था, तो ये माइंड सेट था फैमिली का, काफी मतलब पुअर फैमिली से हम लोग बिलोंग करते हैं, बड़ी मुश्किल से हम लोग का घर का आमदनी चल पाता है, तो उस हिसाब से फैमिली का एक अपेक्षा होती है कि जो बेटा है कम से कम कुछ पढ़ लिख के बने, कुछ करे, तो ये टीचिंग लाइन के लिए लोग मतलब फैमिली वाले चाहते हैं। ये बताइए, हमने ये सुना है, चलते चलते ये बता दीजिए कि आपने शायद कुछ रिएक्शन दिया था जो एक रील बना था सोशल मीडिया पर जब आप नेता नहीं थे, और वो लोगों ने सुना और उससे इंस्पायर होके आपको लगा कि आपको और ज्यादा बोलना चाहिए क्योंकि लोग आपको सुनना चाहते हैं, तो रील से रियल लाइफ नेता बन गया? जी बिल्कुल सही बात है, रील से ही रियल लाइफ नेता बने हम, वो सही बात है। एक युवा एक प्रोटेस्ट था, उस प्रोटेस्ट में हम जाना भी नहीं चाहते थे, जनवरी का महीना था, काफ़ी ठंड लग रही थी, नहाने के लिए गए, नहाए भी नहीं, घर वापस आ रहे थे, फिर मन हुआ कि नहीं धनबाद जाना है, एक प्रोटेस्ट में भाग लेना है, तो गए, तो फिर मीडिया वाले आए, मीडिया वाले तो ढूंढते हैं कि कौन अच्छा बोलेगा ताकि लोग सुने, फिर हमने बहुत अच्छा तार्किक तरीकों से अपनी बातों को रखा, 19 से 20 मिनट का वो मेरा स्टेटमेंट था, इंटरव्यू था, और फिर वो मेरे वीडियो छोटे छोटे टुकड़ों में लोग पार्ट्स में इंस्टाग्राम स्टोरी में लगाने लगे, व्हाट्सअप के स्टेटस में रखने लगे, और सही बात है एक रील से वायरल हुआ लड़का आज रियल लाइफ का बहुत बड़ा नेता लोगों ने बना दिया है। आज हम लोग चुनाव हारने के बाद भी प्रत्येक दिन कम से कम तो 10-5 समस्याओं का समाधान करते हैं, चाहे वो प्रखंड स्तरीय हो, जिला स्तरीय हो, हम लोग तो कुछ समस्याएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक समाधान कर चुके हैं। एक मलेशिया या सिंगापुर का मामला है जो वहाँ एक प्रवासी मजदूर का देहांत हुआ था, फिर हम लोगों ने मैंने प्रयास किया और उसके डेड बॉडी आने से पहले उस घर में मुआवजा आ गया था 12 लाख के आसपास। तो ये तो हुआ कि एक रील से उभरे हुए लड़के को लोगों ने रियल लाइफ का एक अच्छा नेता बनाया है, इसके लिए जनता का बहुत सपोर्ट रहा। चलिए, और चुनाव ज़्यादा दूर नहीं है और देखना होगा कि झारखंड की जनता आपके लिए क्या फैसला सुनाती है। बहुत शुक्रिया जयराम महतो हमसे बात करने के लिए। जी आपका भी, आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। सानू महतो झारखंडी को लाइक फॉलो शेयर कमेंट करें।